मोहनदास करमचंद गांधी। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही देश के लोगों में देशभक्ति की एक अटूट भावना अपने आप जाग जाती है। परतंत्र भारत में गांधी जी ने खुद अपनी भूमिका गढ़ी, स्वराज का सपना देखा और हर जतन करके आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अहिंसा को अपनाते हुए हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलवाई। अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके मूल्य, उनके आदर्श और उनकी सोच आज भी करोड़ों भारतीयों की धड़कनों में जिंदा है। ऐसा लगता है मानो मन के किसी कोने में अब भी महात्मा गांधी जीवित हैं और हमारी विचार कर्म प्रक्रिया को अहिंसा, सहिष्णुता और समानुभूति के तत्व से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो महात्मा गांधी मानवता के लिए एक भाव स्मरणीय उपहार थे। महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही गांधी जी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी विशेष प्रेम रखते थे। उन्होंने पर्यावरण के प्रति 100 साल पहले ही वो चिंता व्यक्त की जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का योगदान केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में ही नहीं था, बल्कि उन्होंने पर्यावरण की अशुद्धता और दुरुपयोग के प्रति भी अपनी चिंता जाहिर की थी। गांधी जी केवल हमारे राष्ट्र के ही पिता नहीं है, बल्कि पर्यावरणविद उन्हें भारत में पर्यावरणीय गतिविधियों के भी पिता के रूप में देखते हैं। पूरे विश्व के पर्यावरण प्रेमी प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और किए गए कार्यों को मानते हैं। 25 दिसंबर 1916 से पहले मोहनदास करमचंद गांधी को हर कोई बैरिस्टर कहकर संबोधित करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में गांधी जी के बैरिस्टर से महात्मा बनने की नींव पड़ी थी। लखनऊ के फरंगी महल से तो उनका नाता और ज्यादा गहरा था। ये सिलसिला 1921 में तब शुरू हुआ जब मोहम्मद अली जौहर का टेलीग्राम मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली को मिला, जिसमें लिखा था कि महात्मा गांधी लखनऊ आ रहे हैं और 2 दिन फरंगी महली में रुकेंगे। इसके बाद एक कमरे में उनके ठहरने का इंतजाम किया गया था। बस इसके बाद गांधी जी का लखनऊ से लगाव और मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने लखनऊ को समझ लीजिए अपना दूसरा घर बना लिया। ऐसा नहीं है कि इतिहास के गवाह सिर्फ दस्तावेज ही होते हैं, कुछ ऐसे दरख्त भी हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों को खुद में समेट रखा है। शहर लखनऊ ने महात्मा गांधी की कई निशानियों को बहुत ही संजो कर रखा हुआ है। उन्हीं में से एक है कॉल हाउस में महात्मा गांधी का लगाया एक पेड़, जो आज एक विशालकाय वट वृक्ष हो चुका है और छांव का सबसे बेहतरीन जरिया बन चुका है। देश क्या, लखनऊ के ज्यादातर लोगों को ही इस पेड़ के बारे में कोई बहुत जानकारियां नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस ऐतिहासिक दरख्त से देश को रूबरू कराते हैं, ताकि वो अपने इतिहास से वाकिफ तो रहें। लखनऊ के गोखले मार्ग स्थित पूर्व मंत्री व पूर्व राज्यपाल शीला कौल के घर पर महात्मा गांधी आते जाते रहते थे। कौल के घर पर कांग्रेस के कई अन्य नेतागण भी ठहरते थे, इनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। आजादी से करीब एक दशक पहले महात्मा गांधी 1936 में जब लखनऊ आए, तो उन्होंने शीला कौल के घर के प्रांगण में एक बरगद का पेड़ रोपने का काम किया था। आज ये बरगद का पेड़ मजबूत लोकतंत्र की तरह मजबूती से बापू की यादों को समेटे हुए खड़ा है। पेड़ की जटाएं बापू और देश को आजाद कराने में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनका गुणगान कर रही है। खास बात यह है कि आजादी की तमाम यादें भी इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं। गोखले मार्ग के आसपास के लोग आज भी इस पेड़ को देखने आते हैं। यही नहीं, इस पेड़ की लंबी लंबी जटाएं आजादी की लंबी लंबी लड़ाई और कहानियों को समेटे हुए हैं। यहाँ आसपास के लोग इस विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे कभी कभार दीपक भी जलाते हैं और कुछ भगवान की प्रतिमाएं भी रखी हुई नजर आती है।
ये पेड़ लखनऊ में महात्मा गांधी की आजादी की लड़ाई में किए गए योगदान और शीला कौल जवाहरलाल नेहरू से दोस्ती की भी याद दिलाता है कि किस प्रकार से महात्मा गांधी लखनऊ आते रहे और जवाहरलाल नेहरू व अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ उन्होंने लखनऊ में छोटी छोटी बैठकें की और फिर देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की। पेड़ भी सुरक्षित रहे और हर कोई इसकी सुरक्षा कर सके, इस संदेश को लेकर लखनऊ की विरासत श्रेणी में शामिल 27 पेड़ों को रक्षा सूत्र में बांधा गया है। उन्हीं 27 में से एक पेड़ ये भी है जो अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाने के संघर्ष का जीता जागता गवाह है। महात्मा गांधी के हाथों से रोपा गया बरगद का ये पेड़ महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांत को ऑक्सीजन देता है। ये दरख्त बेशक बूढ़ा हो गया है लेकिन इसकी यादें अभी भी राजधानी वासियों के जहन में ताजा है। ये पेड़ उनकी उपस्थिति तो दर्शाता ही है, साथ ही सबको ऊर्जा भी देता है। कहा जाता है कि जैसे जैसे ये पौधा वृक्ष बना वैसे वैसे गांधी के विचारों का दायरा भी बढ़ता गया। यही विचार हमें गांधी दर्शन को आत्मसात करने की प्रेरणा देते हैं। बहरहाल हम तो यही आशा करते हैं कि ये ऐतिहासिक पेड़ इसी तरह हमेशा तना हुआ खड़ा रहे ताकि हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों पर फक्र महसूस करते रहें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस पेड़ की अहमियत को समझ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत टीवी।